नमस्कार, खबर पक्की में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और हर शाम 7 बजे हम आपको सामने जो खास खबर लेके आते हैं, यानी कि उम्मीदवारों के नाम, दावेदारों के नाम, उनको लेके एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके सामने। राजनीतिक दलों के पैनल में हो रही सुगबुगाहट, वहाँ हो रही उठापटक की पक्की खबर लेकर आते हैं। हमारी खबर पुख्ता है, हम ये दावा करते हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी ग्राउंड से मौजूद इस रिपोर्ट को सीधे आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजते हैं और इन खबरों पर मोहर भी लगती रही है। किसका टिकट कटने वाला है, किसका टिकट वेटिंग है, किसका टिकट RAC में है, ये हम आपको हर दिन बता रहे हैं। तो चलिए आज भी हम बताते हैं आपको, ऐसी ही सीट की बात करते हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार। बिहार इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि बिहार में अभी पार्टियों के जो पैनल हैं, टिकट्स हैं, वो अटके हुए हैं और सबसे बड़ा सवाल जो है वो बिहार में NDA को लेकर है। तो अब NDA का जो सीट शेयरिंग फार्मूला है वो सामने आ चुका है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कौन कौन उम्मीदवार दावेदार होंगे उनको लेकर दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है। तो सीधे चलते हैं बिहार के भोजपुर जिले, यहाँ के पढ़ने वाले आरा लोकसभा की बात करते हैं। कभी ये इलाका हरे भरे घने जंगलों से भरपूर था और इस शहर का नाम शाहबाद मुगल बादशाह ने रखा था। यहाँ 44 जैन मंदिर हैं और ये अरण्य देवी के मंदिर के लिए भी जाना जाता है। अब हाल जानते हैं यहाँ की राजनीति का। तो 2019 में यहाँ क्या हुआ था, BJP के RK सिंह सांसद चुने गए थे, उन्होंने CPIML के राजू यादव को हराया था। 2019 में यहाँ पर 10,80,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे, उसमें से RK सिंह को 5,66,000 वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी राजू यादव को 4,19,000 वोट मिले थे। RK सिंह 1,47,000 वोटों से ये चुनाव जीत गए थे। अब आपको बताते हैं यहाँ के उम्मीदवार मीटर का हाल, किसकी दावेदारी पक्की है, उम्मीदवार मीटर क्या कह रहा है, ये भी आपके सामने रख देते हैं। सबसे मजबूत और प्रबल दावेदार अभी के सांसद RK सिंह हैं। पूर्व गृह सचिव RK सिंह ने रिटायर होने के बाद 2014 में यहाँ से पहला चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने यहाँ पर JDU की मीना सिंह को हराया था। 2019 में दोबारा ये सीट उन्होंने अपने नाम की और केंद्रीय मंत्री वो बने हुए हैं लगातार, उनका टिकट लगभग यहाँ से कन्फर्म है। अब हम एक और दावेदार की बात कर लेते हैं, मीना सिंह पिछले साल ही जनता दल छोड़कर BJP में शामिल हुई थी। 10 साल पहले आरा से वो BJP के RK सिंह से हार गई थी। अब BJP में आने के बाद वो अपनी दावेदारी यहाँ से जता रही हैं, लेकिन फिलहाल उनका टिकट वेट लिस्ट है। आरा से विपक्ष से कौन दावेदार मजबूत है वो आपके सामने रख देते हैं। राजू यादव CPIMALE के जुझारू नेता हैं, वे विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनका दावा यहाँ पर मजबूत माना जा रहा है। इसके अलावा सुदामा प्रसाद पिछले 2 बार से CPIMALE की तरफ से तरारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और लोकसभा के लिए मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा महागठबंधन अगर इस सीट पर CPIMALE को सीट नहीं देती है तो राष्ट्रीय जनता दल से यहाँ से जो मजबूत दावेदार है उनका नाम भी हम आपके सामने रख देते हैं और वो मजबूत दावेदार हैं कांति सिंह। ये राष्ट्रीय जनता दल से यहाँ से मजबूत दावा पेश कर रहे हैं। तो हमने आपको भोजपुर सीट का हाल बताया, अब हम आपको भोजपुर के ही एक और लोकसभा क्षेत्र ले चलते हैं और उस लोकसभा क्षेत्र का नाम है बक्सर। इसका नाम एक मशहूर युद्ध की वजह से इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज मुगलों, नवाबों और बनारस के राजा की सेना से यहाँ से टकराई थी और उसमें भारतीय फौजों की बुरी तरह से हार हुई थी। अब आपको यहाँ का राजनीतिक गणित समझा देते हैं और देखते हैं कि बक्सर में पिछले लोकसभा चुनाव में किसकी जीत हुई थी। 2019 में BJP के अश्विनी चौबे यहाँ से बक्सर से सांसद चुने गए थे, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के जगदानंद सिंह को हराया था। 2019 में यहाँ 9,86,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे, जिसमें केवल अश्विनी चौबे को 4,73,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि जगदानंद सिंह को 3,55,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। कुल मिलाकर 1,17,000 से ज़्यादा वोटों से अश्विनी चौबे की यहाँ पर जीत हुई थी। तो अब देख लेते हैं उम्मीदवार मीटर क्या कह रहा है, उम्मीदवार मीटर में किसकी दावेदारी ज़्यादा मजबूत है। BJP से टिकट मिलने के दावेदारों में सबसे पहला नाम यहाँ के मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का है। बिहार BJP के बड़े नेता हैं, 5 बार विधायक रह चुके हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। मौजूदा समय में वे केंद्र में राज्य मंत्री हैं। उनका टिकट फिलहाल RAC में है क्योंकि अभी तक उनका टिकट कन्फर्म नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ से मजबूत दावेदार प्रदीप दुबे हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट से बक्सर विधानसभा में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। बहुत कम अंतर से इनकी हार हुई थी और इस समय राष्ट्रीय कार्यक्रम समिति के सदस्य भी हैं। इनका टिकट फिलहाल वेट लिस्ट है। इसके अलावा आनंद मिश्रा असम काडर के IPS अधिकारी हैं, बक्सर में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करना चाह रहे हैं और इनकी दावेदारी भी
मजबूत मानी जा रही है। इसके अतिरिक्त एक और बड़ा नाम डॉक्टर राजेश मिश्रा, बक्सर निवासी डॉक्टर राजेश मिश्रा हृदय रोग एक्सपर्ट के रूप में दिल्ली में नाम कमा चुके हैं और अब बक्सर में करीब 2 साल से काफ़ी सक्रिय हैं और मजबूत दावेदारी बक्सर लोकसभा के लिए पेश कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर मनोज मिश्रा चिकित्सक प्रकोष्ठ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनोज मिश्रा लगातार जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों को उठाते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मजबूत दावा ये पेश कर रहे हैं। अब विपक्ष की उम्मीदवार मीटर की बात कर लेते हैं तो विपक्ष किसको मैदान में उतारेगा वो भी आपके सामने रख देते हैं। कांग्रेस में जिस नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है निर्मल वर्मा की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले निर्मल वर्मा इस सीट से कांग्रेस से अपना मजबूत दावा पेश कर रहे हैं। वैसे अगर महागठबंधन ने पिछली बार की तरह इस बार भी राष्ट्रीय जनता दल को यहाँ से टिकट दिया तो सुधाकर सिंह उम्मीदवार बन सकते हैं। इनके पिता जगदानंद नीतीश कुमार सरकार में कृषि मंत्री रहे थे। इनकी किसान वोट पर गहरी पकड़ मानी जाती है। इसके अतिरिक्त बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर मैदान में अपने उम्मीदवार को उतार सकती है। उसके प्रदेश महासचिव अनिल सिंह यहाँ से मजबूत दावा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पेश कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ तो यहाँ पर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो जाएगा। तो अब हम आपके सामने हमने भोजपुर इलाके की 2 सीटें रखी और अब चलते हैं पूर्वी चंपारण। ये मोतिहारी का इलाका है, मोतिहारी पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है और नेपाल से सटा हुआ है। महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत चंपारण से ही की थी। मोतिहारी में मोती झील इस शहर को दो हिस्सों में बांटती है और देखते हैं कि पिछले 5 साल में यहाँ पर क्या कुछ हुआ था और क्या सियासी समीकरण बने बिगड़े थे। 2019 में बीजेपी के राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण से सांसद चुने गए। उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के आकाश कुमार सिंह को हराया था। 2019 में यहाँ पर 9,99,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे। उसमें राधा मोहन सिंह को अकेले 5,70,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी आकाश कुमार सिंह को 2,84,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। राधा मोहन सिंह 2,93,000 से ज़्यादा वोटों से यहाँ से जीत गए थे। अब हम आपको पूर्वी चंपारण में उम्मीदवार मीटर दिखा देते हैं और किसकी दावेदारी यहाँ पर मजबूत मानी जा रही है वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला नाम मौजूदा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह का ही है। कृषि मंत्री रह चुके हैं, उनकी दावेदारी यहाँ पर मजबूत मानी जा रही है। 1989 में लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़े थे, तब से लेकर वो 9 बार लोकसभा का चुनाव यहाँ पर लड़ चुके हैं और 6 बार उन्होंने जीत दर्ज की है। पूर्वी चंपारण में बीजेपी का गढ़ बनाने में इनका अहम योगदान रहा है। राधा मोहन सिंह का टिकट लगभग कंफर्म है और फिलहाल वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और उनकी दावेदारी बेहद मजबूत मानी जा रही है। इसके अतिरिक्त राधा मोहन सिंह के अतिरिक्त यहाँ से जो मजबूत दावेदार हैं वो डॉक्टर आशुतोष शरण हैं। डॉक्टर आशुतोष शरण IMA के अध्यक्ष रह चुके हैं, मशहूर डॉक्टर हैं और उनकी शोहरत पूरे उत्तर बिहार में फैली हुई है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि अगर खुद राधा मोहन सिंह मना कर देते हैं चुनाव लड़ने से तो फिर डॉक्टर आशुतोष शरण को चुनाव लड़ाया जा सकता है। वे राधा मोहन सिंह के बेहद भरोसेमंद लोगों में से एक हैं। इसके अलावा कल्याणपुर और केसरिया के पूर्व विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह का नाम भी बीजेपी की ओर से मजबूत दावेदारों में लिया जा रहा है। पिछली बार 2020 में उन्होंने RJD के विधायक का चुनाव महज 500 वोट के अंतर से RJD के विधायक से हार गए थे, लेकिन इस बार उनका नाम पूर्वी चंपारण से मजबूत दावेदारों के लोकसभा दावेदारों में लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अखिलेश सिंह का नाम, जो कि बिहार बीजेपी के प्रवक्ता रह चुके हैं, विद्यार्थी परिषद से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले अखिलेश सिंह संगठन के कई पदों पर रह चुके हैं। इनका नाम भी वेटिंग लिस्ट में है, लेकिन मजबूत दावेदारों के रूप में इनका नाम लिया जा रहा है। इस सीट से विपक्ष किसे अपने दावेदार के रूप में उतारेगा, कौन सा मजबूत दावेदार है, राष्ट्रीय जनता दल किसे यहाँ से मैदान में उतार सकती है, उनके नाम आपके सामने रख देते हैं। विनोद श्रीवास्तव RJD के बिहार उपाध्यक्ष हैं और लालू परिवार के नज़दीकी माने जाते हैं। विनोद श्रीवास्तव 2014 में यहाँ से राधा मोहन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े थे और हार गए थे। 2015 में विधानसभा चुनाव भी लड़े और हार गए। क्षेत्र में कायस्थ समाज में काफ़ी उनकी पैठ है और उनके बल पर एक बार फिर विनोद श्रीवास्तव यहाँ से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा मनोज यादव कल्याणपुर के मौजूदा विधायक हैं। RJD के संभावित उम्मीदवारों में उनका नाम भी जोर शोर से लिया जा रहा है। उन्होंने 2020 में बीजेपी के मजबूत विधायक सचिंद्र सिंह को हराया था। मनोज यादव के पिता यमुना यादव भी कल्याणपुर से विधायक रह चुके हैं। मनोज यादव का नाम फिलहाल वेट लिस्ट है। विपक्ष की तरफ से केसरिया के पूर्व विधायक राजेश कुशवाहा
एक डॉक्टर हैं पेशे से, उनका नाम भी पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से मजबूत दावेदारों में लिया जा रहा है। देखना होगा, फिलहाल राजेश कुशवाहा जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है उनको टिकट मिलता है या किसी और दावेदार की लॉटरी लगती है, ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। और जैसे ही ये खबर कन्फर्म होगी हम आपको खबर पक्की में इसकी सूचना सबसे पहले देंगे। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के आगे आपको दिखाएंगे सीवान लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन है मजबूत दावेदार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बात कर लेते हैं बिहार के एक और लोकसभा सीट की, बिहार के सीवान लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। भोजपुरी में सीवान का मतलब होता है किसी स्थान की सीमा, और सीवान जो इलाका है वो नेपाल की दक्षिणी सीमा से मिला हुआ है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी इलाके के रहने वाले थे और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इस क्षेत्र की अहम भूमिका रही है। पुराने इतिहास से लौटते मौजूदा दौर की ओर, और 5 साल पहले यहाँ सियासी मिजाज कैसा था, किसकी जीत हुई किसकी हार, ये गणित आपके सामने रख देते हैं। 2019 में जेडीयू की कविता सिंह सीवान से सांसद चुनी गई, उन्होंने आरजेडी की हिना शहाब को हराया था। 2019 में यहाँ 9,84,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे, इसमें कविता सिंह को 4,48,000 वोट मिले थे, जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी हिना शहाब को 3,31,000 वोट मिले थे, यानी कविता सिंह की 1,16,000 ज़्यादा वोटों से जीत हुई थी। अब आपको यहाँ का उम्मीदवार मीटर आपके सामने रख देते हैं और दिखा देते हैं आपको कि यहाँ उम्मीदवार मीटर में किसकी दावेदारी मजबूत है। जेडीयू यहाँ से जिन लोगों को अपना उम्मीदवार बना सकती है उसमें सबसे पहला नाम मौजूदा सांसद कविता सिंह का है, जो सीवान की मौजूदा सांसद तो हैं ही, 2 बार इससे पहले भी विधायक रह चुकी है। लेकिन बिहार के बाहुबली अजय कुमार सिंह की पत्नी कविता सिंह का नाम अभी तक पक्का नहीं हुआ है, फिलहाल वेट लिस्ट है उनका टिकट। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड से एक और मजबूत दावेदार हैं, वो है महाराजगंज के पूर्व विधायक हेम नारायण शाह। 2015 से लेकर 2020 तक विधायक रहे हेम नारायण शाह को पार्टी सीवान से दावेदार के रूप में देख रही है और उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। जेडीयू की महिला नेता संगीता यादव, जो सीवान की जिला परिषद की दूसरी बार अध्यक्ष बनी है, उनके नाम पर भी मोहर पार्टी लगा सकती है, उनका दावा भी सीवान से मजबूत माना जा रहा है। कुचायकोट के मौजूदा विधायक अमरेंद्र कुमार और पप्पू पांडे भी यहां से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और ये माना जा रहा है जेडीयू उनके नाम पर भी दाव खेल सकती है। वैसे एक और नाम है जो कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा का है, वो गठबंधन से टिकट मिला तो यहाँ इस सीट से वे महागठबंधन किसे उतारेगा ये उस पर निर्भर करेगा, लेकिन हम उन पर नज़र डाल लेते हैं जो महागठबंधन की तरफ से यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। आरजेडी की हिना शहाब, जो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है और पिछली बार इसी सीट पर कविता सिंह से टकराई थी, उनको टिकट इस बार फिर से दिया जा सकता है, उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। अवध बिहारी चौधरी, पिछले महीने तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे, वो सीवान सदर से विधायक हैं और पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, ये माना जा रहा है कि आरजेडी उनके नाम पर भी दाव खेल सकती है। इसके अलावा अमरनाथ यादव, सीपीआई माले के दरौली से पूर्व विधायक और इलाके से विपक्ष के नेताओं में मजबूत दावेदारी इनकी तरफ से पेश की जा रही है, महागठबंधन इनके नाम पर भी दाव खेल सकता है। और हम आपको बता रहे हैं बारी बारी से कि किन लोकसभा सीटों पर कौन से मजबूत दावेदार हैं और इस पर बाकायदा पॉलिटिकल पार्टी उसकी तरफ से जब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होता है तो मोहर भी लगती है। हेलो मोटो, मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। आपके सामने रख देते हैं मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे। हालांकि होली का त्यौहार है और अभी होली का त्यौहार आने में समय है, लेकिन ब्रज के नंदगांव में होली की धूम मचने लगी। यहाँ की तस्वीरें लठमार होली की, जो सबसे अलग हैं, बरसाने की लठमार होली की तस्वीरें आपके सामने।